नमस्कार, स्वागत है आप देख रहे हैं मंचा न्यूज़ और भोजपुरी गॉसिप। और मैं आज आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से जो हमें रोमांटिक राजा के सेट पे मिले थे। इनकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है और साथ ही नाम भी काफ़ी खूबसूरत है। ये मैं बताऊं तो ये ऐसा नहीं है, सर बताएंगे अपना नाम और अपनी परिचय और साथ ही उसके पीछे की जो कहानियाँ हैं वो। सर आपका स्वागत है, हमारे दर्शकों को बताइए आप कैसे हैं। जी मैं बहुत बहुत ही अच्छा, और आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है बनारस की इस नगरी में और रोमांटिक राजा के ग्रैंड रिलीज पे। तो मेरा नाम मोंटी बाबा हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा बनारस से हुई है। मेरा भी थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा फिल्मों का, पहले मैं डायरेक्शन फिल्म में था, चैनल में भी था, फिर उसके बाद मैंने गायकी शुरू की और गायकी के साथ मुझे फिल्में ऑफ़र हुई। तो फ़िलहाल कोरोना के बाद इस साल में मेरी 5 फिल्में प्रदर्शन को तैयार हैं, जिसमें एक संदीप श्रीवास्तव की फिल्म है सैयाजी दिलवा मांगेले 2, उसमें मेरी शुरुआत हुई थी निगेटिव भूमिका से, नकारात्मक। उसके बाद मुझे लीड करने का मौका मिला, तो फिर 4 फिल्में मेरी हुई हैं, जिसमें 2 फिल्म हैं, एक है प्रेम प्रतिष्ठा और एक है जय शिव शंभू। इसमें बालीजी डायरेक्टर हैं, काफ़ी जाने माने नाम है भोजपुरी के। और इसके अलावा एक कुमार विजय जी हैं, काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं और वो राजकुमार कोहली जैसे लोगों के साथ काम कर चुके हैं। उनकी अभी रिसेंटली मैंने फिल्म की रॉबर्ट्स इन में शूट हुआ था, जिसका नाम है लैला। तो ये 5 फिल्में अभी हमारी हैं प्रदर्शन को तैयार। एक तो रेडी है, वो रिलीज होगी बहुत जल्दी यशी फिल्म से और उसका नाम है धन का चक्कर। और 4 फिल्में भी जितनी जल्दी हो आपके बीच आएंगी, सारी पारिवारिक फिल्में, अच्छी फिल्में हैं। तो मेरी ये आपसे भी अपील है कि अपना मुझे आशीर्वाद और प्यार दें। एक और सवाल करना चाहूँगा कि पुराने किरदार के बाद आपकी जो नई जर्नी शुरू हो गई है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, भी आपने एंट्री मार दी है, क्या ऐसे ख्यालात हैं जो अब आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कुछ जो नया सीखा है आपने बॉलीवुड में वह भोजपुरी को देना चाहेंगे? जी हाँ, मेरी जो शुरुआत ही बॉलीवुड से ही है। भोजपुरी इंडस्ट्री आज का जो टाइम है, अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये हिंदी है भोजपुरी है, हम लोग ग्लोबलाइज हो रहे हैं, एक ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हिंदी और भोजपुरी सब प्लेटफॉर्म एक है। पहले होता था कि बड़ी हिंदी फिल्मों को मल्टीप्लेक्सेस मिलते थे, हमारी जो भोजपुरी होती थी उनको एक सिंगल थिएटर मिलता था, बट डिजिटल प्लेटफॉर्म आजकल बहुत बूम पे है और डिजिटल प्लेटफॉर्म आने से सबको बराबर का ही मौका है। तो आज देखिए भोजपुरी भी उसी तरीके से राइज कर रही है, उनको सम्मान भी मिल रहा है। हम सब दर्शक देख रहे हैं कि पहले गानों का एक ग्रेड, मैं ग्रेड में मतलब वो मेकिंग बोल रहा हूँ, कि थोड़े कम के होते थे खर्चे, आजकल बहुत खर्चे लगने लगे हैं। हिंदी की सरीखे बहुत बड़े बड़े ढंग से शूटिंग हो रही है, हिंदी के लोग काम कर रहे हैं। जैसे ये गाना आप जो खेसारी जी का देख रहे हैं, इसमें मुदस्सर खान है जो काफ़ी बड़े कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड के, सलमान खान जैसे लोगों को वो उनका गाना डायरेक्ट करते हैं, वो तो उन्होंने डायरेक्ट किया है। इसके जो राइटर ये राइटर हैं वो भी काफ़ी बड़े हिंदी के, कुणाल वर्मा जी। तो अब सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। अब ये दौर ऐसा आ गया है कि अब भोजपुरी हिंदी पंजाबी नहीं बची है, अब संगीत है, एंटरटेनमेंट है, सब मिक्स होकर के एक प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, हम लोग भी उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। इन चीज़ों को और हम लोग चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड तरीके से आए और पहले जो भी भ्रांतियाँ थी भोजपुरी के लिए वो टूटे, परिवार सम्मिलित हो देखने के लिए। अच्छे गाने बनने लगे हैं, अच्छी फिल्में बनने लगी हैं, अब कोई भी मेरे ख्याल से वो पहले वाली अश्लीलता नहीं रह गई है। लगभग हर फिल्म साफ़ सुथरी और पारिवारिक बनने लगी हैं और चैनल भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं जी बी फॉर यू जैसे बड़े बड़ी कंपनी, फिल्मची महिंद्रा का चैनल है, काफ़ी चैनल्स जो आ गए हैं वो हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। और लोग, मैं घरों में जाता हूं तो घर में भी देखना शुरू हो गया है। तो एक बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है और उसी अच्छे टाइम में हम लोग और अपना कोशिश करेंगे कुछ करके इसको और थोड़ा सा संतुलित किया जाए। एक सवाल, सुबह से आप रोमांटिक राजा के जो प्रीमियर शेटिंग हो रहे थे, काफ़ी एक्साइटमेंट थी, सारी तैयारियां आपने किया और फाइनली अब गाना रिलीज हो गया है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में खेसारी जी के जो फैन है वो काफ़ी इंतज़ार करते हैं इनके गानों का, क्या कहना चाहेंगे और शायद आज की जो एक्साइटमेंट लेवल थी उसके बारे में आप? जी ये गाना देख करके रोमांटिक राजा, अब लग रहा है कि भोजपुरी हमारी उस दौर में पहुँच चुकी है कि अब इसको भरपूर सम्मान और प्यार मिल रहा है। ये जो रोमांटिक राजा हिंदी सॉन्ग है, खेसारी जी ने गाया है, लेकिन इतना अच्छा गाया है और इतना अच्छा ये गाना बना हुआ है। इनके साथ हमारी हैं वहाँ की एक फेमस शिप्रा गोयल करके, ये पंजाब की एक जानी मानी नाम है, इनके काफ़ी गाने हिट रहते हैं। इन दोनों का इतना खूबसूरत गाना बना हुआ है और म्यूजिक भी उसी रेंज का है, वीडियो भी उसी रेंज का, एक बहुत ही अच्छा, अच्छे लेवल का है और बहुत अच्छा लगा। एक ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है हमें भोजपुरी का भी। और अब कोई भोजपुरी या हिंदी का आर्टिस्ट मेरे ख्याल से नहीं है, अब एक्टर हैं, सिंगर हैं, वो एक सम्मिलित दौर में चल रहे हैं।
ये खुशी की बात है जी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है खेसारी जी को, काफ़ी फेमस है, उनको तो किसी की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी नाम है। फिर भी मेरी शुभकामना है कि ये गाना बहुत हिट हो, बहुत ज़्यादा इस गाने को व्यूज़ मिले, लोग सुने, पसंद करें, क्योंकि साफ़ सुथरा और अच्छा गाना है जी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही अच्छे हैं, साथ ही बड़ी ही खूबसूरती के साथ उन्होंने जो करियर की शुरुआत की और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कुछ करा उसके बारे में बताया। तो भोजपुरी बदल रही है, भोजपुरी ट्रेंड कर रही है, हमारे साथ बने रहिए भोजपुरी के ऐसी तमाम चीज़ों से जुड़े रहने के लिए, और साथ ही नए नए शख्स से मिलते रहने के लिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाजत।